मैं ये बात पूछना चाहता हूं, जब यीशु मसीह आज के दिन स्वर्ग पे गए थे तो आपको कौन सी बात बोलकर गए थे? कौन सी बात बोल के गए थे? क्या बोल के गए थे? बोलो ऊंची आवाज में, ऊंची नहीं आई आवाज, बोलो क्या बोल के गए थे? बोलो जाओ। क्या बोल के गए थे? अब पूछो अपने पड़ोसी को, तुम जाते हो कि नहीं? तुम जाते हो लेकिन अपना राज्य स्थापित करने के लिए, कुछ अपना फायदा ढूंढने के लिए। तुम जाते हो लेकिन सिर्फ फॉरेन वाले लोगों के पास ताकि तुम्हें वीजा मिल जाए। तुम जाते हो सिर्फ अमीरों के पास, तुम जाते हो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। उसने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ। आज कलीसिया बीमारियों में और श्रापों में नहीं होती अगर उसने परमेश्वर की इस आज्ञा को पूरा कर दिया होता तो। जब योना ने परमेश्वर की आज्ञा पूरी नहीं की तो परमेश्वर ने क्या किया? लगाम खींची। खींची के नहीं, वो मौत के मुंह में गया, पूरी ड्रामेबाजी वहां पे चली। उसी तरह से बाइबल कहती है जब आप लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं सुनते और जो सीधा रास्ता परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है आप उस पर नहीं चलते, फिर वो लगाम को खींचता है। हम इमोशनल ट्रबल में चले जाते हैं, हस्बैंड में प्रॉब्लम शुरू हो जाती, वाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती, बच्चों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती, फाइनेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है, सेहत खराब होनी शुरू हो जाती। हम सोचते हमने क्या नहीं किया, क्या गलती हो गई हमसे, क्योंकि बाइबल कहती है आप लोग सुसमाचार सुनाने के लिए चुने गए हो। परमेश्वर की रूहों को बचाने की इच्छा आज भी वैसी है बल्कि और बढ़ चुकी है। उसने योना को कहा जा और लोगों को बचा, और अब यीशु मसीह आपको कुछ बोल के गए हैं जो आप भूल गए हो। हमें लगता है मुझे बेबी चाहिए, मुझे चर्च जाना है, मुझे बरकत चाहिए, मुझे चर्च जाना है, ये तो बहाना है चर्च आने का। उसका असली मकसद है आप लोग रूहों को बचाओ, क्योंकि उसने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब बातें उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मैं वही पूछ रहा हूं, जब योना नहीं गया तो परमेश्वर को लगाम लगानी पड़ी। जब आप नहीं जाएंगे तो फिर वो क्या करेगा? लगाम लगाएगा। ये लगाम मेरी लाइफ में लगी रही। मसीह के शुरुआती दिनों में मेरा मकसद सिर्फ चंगियाई पाना था, ये कहीं ना कहीं से रोजे रख के, प्रेयर करवा के, क्रूसेड करवा के मैं हील हो जाऊं। लेकिन मेरा मकसद वो नहीं था जो परमेश्वर ने जिसके लिए मुझे बुलाया था, रूहों को बचाना। जब मेरा मकसद सेट हो गया, मुझे मालूम हो गया कि मैं असल मेरा काम रूहों को बचाना है, मेरी प्रॉब्लम्स जा चुकी थी, फिनिश हो चुकी थी।